सचिन बैटिंग करने के लिए फील्ड में उतरता है, इसका मतलब है, इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएट। नेम द पोएट माने इस कविता को जो लिखा है उसके कवि कौन है, पोएट कौन है। तो कौन है हमने लिखा दिया, द नेम ऑफ द पोएट इज रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। इस कविता को जिसने लिखा है उस कवि का नाम है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द क्राउड व्हेन सचिन एंटर्स द फील्ड। जब सचिन बैटिंग करने के लिए पिच में उतरता है, फील्ड में उतरता है, तो क्राउड का मतलब भीड़, दर्शक रहते हैं ना क्रिकेट के मैदान में, तो उनका रिएक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर हमने क्या लिखाया, व्हेन सचिन एंटर्स द फील्ड He gets the focus of everyone and everyone cheers loudly in excitement. जब जितने वहां पर क्राउड में लोग हैं, सबका ध्यान किस पर रहता है, सचिन तेंदुलकर पर, और everyone cheers loudly in excitement, और सभी लोग cheers मतलब खुशी मनाते हैं। नहीं, क्रिकेट का मैदान में देखे हो ना, वो अपना स्टार पसंदीदा खिलाड़ी जब उतरता है और सिक्स और फोर मारता है, तो उसी तरह सचिन तेंदुलकर जब मैदान में उतरता था बैटिंग करने के लिए, व्हेन सचिन एंटर्स द फील्ड, जब वो फील्ड में इंटर करता था, प्रवेश करता था, ही गेट्स द फोकस ऑफ एवरीवन, सबकी नजरें उसी पर होती थी, और सभी एवरीवन चीयर्स लाउडली इन एक्साइटमेंट, है ना, काफी जोर जोर से चीयर्स करते थे उसके लिए, है ना, उसके लिए खुशियां मनाते थे और काफी अपने आप में एक्साइटेड हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ए डिफिनिंग साउंड। डिफिनिंग साउंड का मतलब क्या है, इसका हमने लिखा है, डिफिनिंग साउंड मींस एक्सेसिव लाउड चीयरिंग इन एक्साइटमेंट। जब बहुत जोर से चिल्लाना कोई शुरू करे, काफी जोर जोर से, कि एक दूसरे का आवाज भी बगल में बैठे और सुनाई नहीं दे, तो उसको डिफेनिंग साउंड कहते हैं। तो इतने लोग क्राउड बैठा रहता है वहां पर, हजारों की भीड़ रहती है, जैसे अहमदाबाद में जो मैच हुआ था अभी, उसमें 130,000 लोग बैठे थे। इतने सारे लोग जब जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे तो आपको सुनाई देगा आवाज, तो उसी को कहते हैं डिफेनिंग साउंड। एंड लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट मेक्स सचिन ए वंडर मैन। पॉइंट के हिसाब से सचिन को वंडरमैन क्या चीज बनाता है, क्यों उसको वंडरमैन कहा जाता है। इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, हिज इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, फोकस ऑन बॉल एंड लव टू द गेम विच ही ट्रूली लर्न्ड मेक्स सचिन ए वंडरमैन। क्या क्या कह रहा है, क्यों वंडरमैन है सचिन तेंदुलकर, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, पॉइंट के अनुसार, हिज इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, वर्षों से वो इंडिया के लिए खेलता रहा, वर्षों तक इंडिया को लीड करता रहा, वर्षों तक अपने प्रयास से इंडिया को जिताता रहा। दूसरी बात, फोकस ऑन बॉल, वो जब भी क्रिकेट खेलने के लिए आता था, उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता था, बल्कि बॉल पर रहता था, कोई स्पिन आ रहा, कोई फास्ट आ रहा, कोई पेस आ रहा है, नहीं, और उसको हम कैसे खेलें, कैसे हम मैदान में रन बनाए। और तीसरा, लव टू द गेम, क्रिकेट के प्रति उसका डेडिकेशन, क्रिकेट के प्रति उसका समर्पण, क्रिकेट के प्रति उसका जो लव था, उसी के कारण सचिन को हम वंडर मैन के नाम से जानते हैं। तो ये चारों प्रश्न को उत्तर आपको समझ में आ गया।